हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास एट की हमारे पास एक्सरसाइज 5.2 हो चुकी है। 5.3 पढ़ेंगे आज हम। 5.3 में हमारे पास क्या है? प्रोबेबिलिटी। थोड़ा सा आपको प्रोबेबिलिटी के बारे में इंट्रोड्यूस किया गया है इस एक्सरसाइज में। देखते हैं, प्रोबेबिलिटी या एक्सपेरिमेंट्स बोल देंगे इसको हम। फर्स्ट हमारे पास क्या है? लिस्ट द आउटकम्स यू कैन सी इन दिस एक्सपेरिमेंट्स। इस एक्सपेरिमेंट्स में जो आपको आउटकम्स दिए हुए हैं उनको देख के बताना है कि क्या क्या दे रखा है आपको। स्पाइनिंग ए व्हील, एक व्हील को फर्स्ट में हमें क्या दे रखा है? एक व्हील दे रखा है, और उसको जब हम स्पाइन, उसको जब हम राउंड राउंड ऐसे घुमा रहे हैं तो ये जो एरो का निशान है ये कहाँ आके रुकता है ये बताना है कि इसके लिए हमारे पास कितने ऑप्शंस है, ये कहाँ रुकेगा। अब देखो, ये एरो ए के ऊपर भी रुक सकता है क्योंकि इधर घूमता है, जब ऐसे घूमते घूमते यहाँ ए भी रुक सकता है, बी सी एंड डी, क्योंकि दोबारा फिर ए आएगा तो ए हमारे पास दोनों इक्वल हैं, ए और ए ये तो सेम नोटेशन है, इसलिए हमारे पास इसको तो हम वन टाइम्स लेंगे और इसको ए बी सी एंड डी। तो क्या लिखेंगे? देर आर फोर लेटर्स ए बी सी एंड डी, हमारे पास चार लेटर हैं ए बी सी एंड डी इन ए स्पाइनिंग व्हील, एक स्पाइनिंग व्हील के अंदर। सो देर आर फोर आउटकम्स, तो हमारे पास आउटकम्स टोटल कितने आएंगे? फोर। नेक्स्ट है टोसिंग टू कॉइन्स टुगेदर, दो कॉइन्स को इकट्ठा टॉस किया गया। व्हेन टू कॉइन्स आर टॉस, जब हमने कोई भी दो कॉइन है हमारे पास उनको हमने टॉस किया, तो कैसे टॉस किया, उसमें हमारे पास क्या क्या आउटकम्स आने के चांसेस हैं। देर आर फोर पॉसिबल आउटकम्स, फोर पॉसिबल आउटकम्स हैं। क्या हमने जब उसको टॉस किया, हो सकता है दोनों पे क्या आ जाए? हेड। हो सकता है एक पे हेड आ जाए, फर्स्ट वाले पे, सेकंड वाले पे टेल आ जाए। हो सकता है फर्स्ट पे टेल आ जाए, सेकंड पे हेड आ जाए, और हो सकता है दोनों पे टेल आ जाए। तो हमारे पास कितने इसके आउटकम्स हो गए? टोटल फोर हो गए हमारे पास आउटकम्स। जब भी आप किसी भी सिक्के को ऐसे उछालोगे तो हमारे पास उसके चार ऑप्शन आते हैं। हमने उछाल दिया तो क्या आया? हो सकता है हमारे पास सबसे पहले हमने उछाल, दोनों पे क्या आ गया? हेड। या फिर ये भी हो सकता है कि एक पे हेड आ जाए और एक पे टेल आ जाए, फर्स्ट वाले पे हेड आ गया, सेकंड वाले पे टेल आ गया। तो क्या हो सकता है कि फर्स्ट वाले पे तो टेल आ गया बट सेकंड वाले पे क्या आ गया? हेड। या फिर क्या हो सकता है कि दोनों पे क्या आ जाए? टेल आ जाए। तो हमारे पास टोटल आउटकम्स इसके लिए कितने आ जाएंगे? फोर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर टू, When a die is thrown, list the outcomes of an event of getting. हमने एक डाई को फेंका गया और उसमें जो आउटकम्स हैं उसको बताना है कि list the outcomes of an event of getting. ये जो हमें इवेंट्स दिए हुए हैं ये मिलने के हमारे पास क्या प्रॉबिलिटी है, आउटकम्स बताने के, इसके आउटकम्स क्या क्या होंगे। अब एक डाई है, डाई के अंदर हमारे पास से, आप लूडो खेलते हो तो लूडो के अंदर आपको पता होगा कि कितने कहाँ तक आपके पास नंबर होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। डाई में हमारे पास कहाँ तक ऑप्शन होता है? 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 तक, ठीक है। अब हमें क्या करना है? ए प्राइम नंबर, इनमें से देखते हैं प्राइम नंबर क्या क्या है। एक 2 प्राइम नंबर, एक 3 प्राइम नंबर, एक 5 प्राइम नंबर। तो क्या लिखेंगे? आउटकम्स ऑफ इवेंट ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर्स आर 2, 3 एंड 5। हमारे पास क्या क्या नंबर है? वो 2 है, 3 है एंड 5 है। नेक्स्ट है नोट ए प्राइम नंबर, एक प्राइम नंबर नहीं है, कौन कौन नहीं है प्राइम नंबर? 1, 4 एंड 6। तो क्या आ जाएगा उसके आउटकम्स? क्या आ जाएंगे? 1 आ गया, 4 आ गया एंड 6 आ जाएगा। नेक्स्ट है ए नंबर ग्रेटर देन 5, 5 से बड़ा कौन आएगा इसमें? सिर्फ 6 आ सकता है। तो क्या आ जाएगा आउटकम्स उसका? क्या आया? ओनली 6। ए नंबर नोट ग्रेटर देन 5, एक नंबर 5 से बड़ा नहीं है, तो 5 से छोटे क्या है? 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो आउटकम्स क्या आ जाएंगे? 1, 2, 3, 4 एंड 5। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन बी इन क्वेश्चन फर्स्ट। अब क्वेश्चन फर्स्ट में बोल रखा है जो पॉइंटर है वो कहाँ पे आके रुक जाता है? डी के ऊपर आके रुक जाता है। अगर वो पॉइंटर डी के ऊपर आके रुकता है तो टोटल हमारे पास कितने पॉइंटर थे? टोटल हमारे पास कितने थे? 1, 2, 3, 4, 5। टोटल हमारे पास कितने थे? 5। और वहाँ कहाँ पे आके रुका? डी के ऊपर। तो उसको हम क्या बोल देंगे? सबसे पहले हम ऊपर लिखेंगे कि जिसके ऊपर का डी आने के चांसेस कितने हैं? 1 है। और टोटल हमारे पास कितने थे? 5 थे हमारे पास। तो क्या आ जाएगा? 1/5। नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एश, एश मीन्स क्या होता है? इक्का।
फ्रॉम ए वेल सफल डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। टोटल हमारे पास कार्ड होते हैं जो ताश के पत्ते बोलते हैं जिनको हम, टोटल हमारे पास कार्ड कितने होते हैं 52 होते हैं। उसके अंदर ऐश, ऐश क्या होता है, ए, ए होता है जो हमारे पास इक्का बोलते हैं जिसको हम, उसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, ऐश। और उसके हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब टोटल हमारे पास 52 कार्ड्स हैं, उनमें से एस कितने होते हैं हमारे पास, 4S होते हैं। एक जैसे हमारे पास 4 पार्ट्स होते हैं, सभी में एक एक एस होता है, तो हमारे पास टोटल एस कितने होते हैं, 4। अब उसकी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ एस, कि हमारे पास टोटल कितने एस हैं, डिवाइडेड बाय टोटल कार्ड, नंबर ऑफ एस कितने होंगे उसमें, टोटल 4S होंगे। और टोटल कार्ड कितने होते हैं 52, 4 से कैंसिल कर देंगे, क्या आ जाएगा 1/13। नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रेड एप्पल, एक रेड एप्पल की प्रोबेबिलिटी। अब टोटल एप्पल हमारे पास कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, टोटल एप्पल क्या है 7, और रेड एप्पल हमारे पास कितने हैं, 1, 2, 3, 4, टोटल हमारे पास रेड एप्पल कितने आ गए, 4। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, रेड एप्पल कितने हैं, 4 डिवाइडेड बाई टोटल एप्पल 7, क्या आ जाएगी 4/7। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, नंबर 1 to 10 आर रिटन ऑन 10 सेपरेट स्लिप्स। 1 से 10 तक के नंबर हमने 10 अलग अलग स्लिप्स पे नोट कर दिया, किसी पे 1, किसी पे 2, 3, ऐसे 10 स्लिप्स पे 10 तक नंबर नोट कर दिए, एक स्लिप पे एक नंबर, कैप्ट इन बॉक्स, और एक बॉक्स के अंदर डाल दिया, एंड मिक्स वेल, और अच्छी तरह से उनको मिला दिया। वन स्लिप इज चूजन, हमने उसमें से क्या किया, एक स्लिप को निकाल लिया फ्रॉम द बॉक्स, बॉक्स में से, विदाउट लुकिंग इन टू इट, बिना देखे हुए हमने उसमें से एक स्लिप को निकाल लिया। वट इज द प्रोबेबिलिटी, उस स्लिप की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इट मीन्स वो स्लिप है उस पर हमारे पास कितने चांसेस हैं, जो नंबर हमें बोल रखा है उसके आने के कितने चांसेस हैं। फर्स्ट है गेटिंग ए नंबर 6, एक नंबर 6 आने के कितने चांसेस हैं। अब टोटल तो हमारे पास 10 है स्लिप्स, उसमें से 6 कितनी बार लिखा हुआ है, एक बार लिखा हुआ है, तो क्या लिखेंगे, 1/, टोटल हमारे पास कितनी है 10, तो क्या आ जाएगी 1/10 हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास गेटिंग ए नंबर लेस देन 6, लेस देन 6, लेस देन 6 में कौन कौन आ जाएगा, 1, 2, 3, 4 and 5, ये नंबर आ सकते हैं हमारे पास, अगर ये बोल रखा है जो आपने जो भी स्लिप निकाली उस पर 6 से कम आने के चांसेस कितने हैं, तो 1 आ गया, वो भी कम है, 2, 3, 4, 5 तक कोई भी नंबर आ जाता है वो सभी 6 से कम है, तो इसके नंबर कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, टोटल नंबर कितने हो गए हमारे पास 5, और टोटल स्लिप्स कितनी है 10, तो 5/10 कैंसिल करके क्या आ जाएगा 1/2। नेक्स्ट है गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 6, एक नंबर मिल गया हमें और कैसा है वो नंबर, ग्रेटर देन 6 मीन 6 से बड़ा है, 6 से बड़ा है तो क्या आ जाएगा 7, 8, 9, 10, टोटल हमारे पास कितने नंबर हो गए, 1, 2, 3, 4, तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी 4, और टोटल नंबर्स कितनी थी, टोटल स्लिप थी 10, कैंसिल कर देंगे, 2, 2 जा 4, 2, 5 जा 10, क्या आ जाएगा 2/5। नेक्स्ट है गेटिंग ए वन डिजिट नंबर, वन डिजिट नंबर हमारे पास कौन से हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, क्यों, क्योंकि 10 में हमारे पास कितने डिजिट आ जाते हैं, 2 डिजिट, तो 9 तक हमारे पास कैसे हैं, वन डिजिट नंबर हैं। अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, वन डिजिट नंबर्स कितने हैं, 9 है हमारे पास, और टोटल नंबर कितने हैं, ये 10 थे हमारे पास टोटल नंबर, स्लिप टोटल 10 थी, तो क्या आ जाएगी प्रोबेबिलिटी 9/10। नेक्स्ट है इफ़ यू हैव ए स्पैनिंग व्हील विद 3 ग्रीन सेक्टर, हमारे पास क्या एक स्पैनिंग व्हील है और उसके अंदर 3 ग्रीन सेक्टर हैं, 1 ब्लू सेक्टर है एंड 1 रेड सेक्टर है। हमारे पास एक व्हील है और उसमें क्या क्या दे रखे हैं, ग्रीन सेक्टर कितने दे रखे हैं 3, और ब्लू सेक्टर हमारे पास कितने दे रखे हैं 1, रेड सेक्टर कितने हैं 1। वट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए ग्रीन सेक्टर, एक ग्रीन सेक्टर आने की प्रोबेबिलिटी, पहले तो हम क्या निकालेंगे, टोटल सेक्टर कितने हैं व्हील के अंदर, तो कितने आ जाएंगे 3+1, 4+1, 5, तो टोटल सेक्टर हमारे कितने आए 5। अब नंबर ऑफ ग्रीन सेक्टर, ग्रीन की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो ग्रीन सेक्टर कितने दे रखे हैं 3, तो नंबर ऑफ ग्रीन सेक्टर कितने आ जाएंगे 3, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन सेक्टर क्या आ जाएगी 3/5। नेक्स्ट टाइम
व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नॉन ब्लू सेक्टर? नॉन ब्लू मीन्स ब्लू नहीं है, ब्लू नहीं है तो उसके अलावा कितने? अब ब्लू कितने इसके अंदर? वन है, तो नंबर ऑफ ब्लू सेक्टर कितना है? वन। और हमें क्या निकालना है कि ब्लू कलर नहीं है, नहीं है तो नॉन ब्लू के कितने बच गए? टोटल फाइव थे, फाइव में से ब्लू कितने हैं? वन। और ब्लू कितने नहीं है? फोर ऐसे हैं जो ब्लू नहीं है, तो ब्लू नहीं होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी थी। क्या आ जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन ब्लू सेक्टर। नॉन ब्लू सेक्टर कितने हैं हमारे पास? फोर। और टोटल सेक्टर कितने थे? फाइव। क्या आ जाएगा? फोर बाई फाइव। नेक्स्ट है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स इन क्वेश्चन सेकेंड। क्वेश्चन सेकेंड में जो आपने आउटकम्स निकाले थे उन सभी की हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। क्वेश्चन सेकेंड में हमारे पास क्या थी? क्वेश्चन सेकेंड में हमें एक डाइस दे रखी है और डाइस के बारे में दे रखा था। अब टोटल आउटकम्स हमारे पास डाइस में कितने होते हैं? सिक्स। प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर हमारे पास क्या क्या होते हैं? टू थ्री एंड ए फाइव। तो कितने हो गए प्राइम नंबर? वन टू थ्री, तो क्या आ जाएगा? थ्री। और टोटल कितना है? सिक्स। थ्री से कैंसिल करके क्या आ जाएगा? वन बाई टू। नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट प्राइम नंबर। सेकंड में आपसे पूछ रखा है नॉट प्राइम नंबर। नॉट प्राइम नंबर के कौन कौन हो जाएंगे? वन फोर एंड सिक्स, तो कितने हो गए? वन टू थ्री, क्या आ जाएगा? थ्री। टोटल हमारे पास कितना है? सिक्स। थ्री से कैंसिल कर देंगे, वन बाई टू। नेक्स्ट है सेकंड। सेकंड में क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन फाइव। एक नंबर जो ग्रेटर देन फाइव है, फाइव से बड़ा, फाइव से बड़ा कौन आ सकता है? सिक्स आ सकता है, तो क्या आ जाएगा? अब कितने है ऑप्शन? वन है हमारे पास और टोटल कितने नंबर है? सिक्स, तो क्या आ जाएगी? वन बाई सिक्स। नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन फाइव। एक प्रोबेबिलिटी निकालनी नॉट गेटिंग, नहीं मिलेगा ग्रेटर देन फाइव, फाइव से बड़ा नहीं मिलेगा, फाइव से बड़ा नहीं मिलेगा तो फाइव से छोटा मिलेगा। क्या क्या आएगा? वन टू थ्री फोर एंड ए फाइव, तो कितने नंबर आए? टोटल हमारे पास फाइव हो गए और टोटल हमारे पास इसके आउटकम्स कितना था? सिक्स, तो इसके हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी? फाइव बाई सिक्स। ये थे हमारे पास इन जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है उन सभी के पार्ट्स की प्रोबेबिलिटी। ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई और साथ साथ चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। ओके, थैंक यू।